उज्जैन जिले में एनसीसी के 71वें स्थापना दिवस पर समारोह पूर्वक आयोजन दो मध्य प्रदेश आर्टिलरी बैटरी एनसीसी उज्जैन के तत्वावधान में किया गया। मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को अपने संबोधन में बताया कि राष्ट्रीय कैडेट्स कोर में रहकर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन एवं राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। एनसीसी में रहकर विद्यार्थी स्वस्थ एवं फिट हो जाता है। कैडेट्स के लिए रोजगार के रास्ते खुलते हैं। एनसीसी देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। स्थापना दिवस पर देश के एनसीसी कैडेट्स को शुभकामना प्रेषित की गई। सूबेदार मेजर मलखान सिंह द्वारा एनसीसी निदेशालय के संदेशों का वाचन किया गया। 71वें एनसीसी दिवस के अवसर पर कैडेट्स द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। साथ ही जल संवर्धन विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता में कैडेट्स शिरना निर्मल और विदान सक्सेना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर कैडेट्स ईशा यादव और देवांश सोनी रहे। महाविद्यालय परिसर से चरक अस्पताल से देवास गेट बस स्टैंड तक स्वच्छता अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर रैली का आयोजन किया गया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। टू एमपी बटालियन है, उसने बहुत अच्छे ढंग से आज यहाँ पर ये जो एनसीसी डे है वो मनाया और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। उन प्रतियोगिताओं में जो भी प्रतिभागी प्रथम और द्वितीय स्थान पर रहे उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इसी के पश्चात यहाँ पर मार्च का आयोजन भी किया गया और फ्लैग भी यहाँ पर लहराया गया। ये है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी एनसीसी लें ताकि वो उनमें अनुशासन की भावना और देश प्रेम की भावना और सांप्रदायिक सद्भाव की भावना जागृत हो। इसके अंतर्गत हमने पहले ब्लड डोनेशन कार्यक्रम रखा, उसके बाद हमने चित्रकला और डेविड का कार्यक्रम आयोजित करा, कल्चरल हुआ। उसके बाद सभी बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फ्लैग होस्टिंग, मार्च फास्टिंग आदि गतिविधियां संचालित की गई। मैं एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण देशवासियों एवं एनसीसी कैडेट्स को शुभकामनाएं देता हूँ। 71वां एनसीसी दिवस बड़े उत्साह के साथ प्रभात फेरी, रैली, स्वच्छता अभियान और ड्राइंग कंपटीशन, वाद विवाद कंपटीशन, फ्लैग होस्टिंग के साथ 10 MP और 2 MP द्वारा संयुक्त रूप से माधव महाविद्यालय में मुख्य अतिथि डॉक्टर मंसूर खान जी ने बनाया। हम यहाँ पर 71वां स्थापना दिवस एनसीसी का मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में मैं सबसे पहले आपको इसकी बधाई देता हूँ। यहाँ प्रस्तुत किया वास्तव में सांप्रदायिक सद्भाव की एक मिसाल के रूप में आपका गीत गाया जाता है जो कि एनसीसी शान बोला जाता है। इसी तरह से वास्तव में हम देखें कि आज जिस तरह से युवा दूसरी ओर जा रहा है, अनुशासनहीनता की चीज उसमें नहीं बची है, लेकिन एनसीसी के कैडेट्स के अंदर ही अनुशासन की जो भी अनुशासन है वो उनमें बचा हुआ है। कॉलेज हो या स्कूल हो, वहाँ पर एनसीसी के बच्चे बहुत अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं और इसी तरह से आप सब उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसित हो, क्योंकि इसके बाद जब आप ए बी और सी सर्टिफिकेट परीक्षा पास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिल ही जाएगा, जबकि देश में भी जॉब की बहुत कमी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।